हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 12 साइंस के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड चैप्टर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। जो बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीबीएसई 2011 में पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन देखने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मजा होने वाला है और यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, तो हम यहाँ पे उसका एंजॉयमेंट करते हैं। Now we having a one good question, evaluate root sine pi by 3 minus sine minus 1 upon 2। अरे यार कैसे इसका सिंप्लीफाइड करेंगे, चलो बता देता हूँ मैं आपको। साइन का साइन pi by 3 आ रहे तो हैरान करने वाली चीज़ें, तो यहाँ पे जस्ट लॉजिक लगाओ। साइन इनवर्स माइनस साइन की वैल्यू कब 1 upon 2 होती है, तो साइन pi by 6 पे माइनस साइन पाई बाई सिक्स होगा, बट यहाँ पे माइनस की साइन है, साइन इज ओल्ड फंक्शन, तो अंदर की साइड साइन चले जाएगी। तो नाउ साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई सिक्स, तो साइन इनवर्स साइन दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो साइन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, सो रेडिशन करके देख लो, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई अपॉन 6, 3 टू द 6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 2, जस्ट सेम पावर 0 नहीं होता, 1 होता है। यस वेरी गुड, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।